दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों जैसा कि हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर हर अपडेट से अवगत होते जाते हैं, हर ऑप्शन से अवगत होते जाते हैं, उसी के तहत में दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर यदि आपके ज़िले या जनपद से मतलब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक से यदि कोई राशि आई है किसी कार्य के लिए और कोई कार्य स्वीकृत हुआ है तो उसकी हम किस तरह से आगे प्रोसेस कर सकें। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कोई कार्य जनपद निधि मतलब ब्लॉक निधि से या फिर जिले निधि जिला निधि है ना जो डिस्ट्रिक्ट निधि से यदि सेंक्शन हुआ है तो उसी लॉगिन से वो आपको TSS करके दे देंगे। आपको प्रोग्रेस रिपोर्टिंग जो रहेगा एक्टिविटी स्टेटस ऑनगोइंग आपको करना पड़ेगा आगे। ठीक है, और एम एक्शन से उसकी फोटोग्राफ्स भी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो किस तरह से दोस्तों आज हम ये देखेंगे एक्टिविटी किस तरह से दिखती है जो जनपद या जिले निधि से जो आती है जो TSS होके तो वो किस तरह से हमको दिखती है तो वो देखेंगे। और सबसे पहले दोस्तों हमें ये देखना पड़ेगा कि जिले या जनपद में किस वित्तीय वर्ष में वो कार्य एड किया है। ठीक है, किस फाइनेंशियल ईयर में कार्य एड किया है तो उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको स्विच यूनिट कर जाना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक कार्य दिखाता हूँ आपको। एक कार्य हमारे उसमें 2020-21 है ना 2020-21 में जुड़ा है जनपद निधि से, तो किस तरह से उसकी एक्टिविटी दिखती है वो देखते हैं। और फिर मैं इसके अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो जो राशि आई है उसे हमें यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हमने eGramSwaraj.gov.in पोर्टल ओपन कर लिया है। अब हम चलेंगे लॉगिन पर और लॉगिन करेंगे एडमिन लॉगिन से। तो दोस्तों हम स्विच यूनिट जाएगा फाइनेंशियल ईयर, तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट भी हम 2021 कर सकते हैं जिसमें कार्य जोड़ा गया जनपद निधि से, यदि 21-22 में जोड़ा तो वो। अब मैं आपको लॉगिन करने के बाद भी स्विच यूनिट करके दिखा देता हूँ, जैसा कि आपको पता भी है जैसे मान लीजिए 2022-23 में भी कर लिया है और सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों आपको इस तरह से होम पेज दिख जाएगा एडमिन लॉगिन से। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे सीधे यहाँ पर स्विच यूनिट, जैसे मैंने बताया कि आप हम अंदर से भी स्विच यूनिट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्विच यूनिट कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे 2020-21 2020-21। अब सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो अब हम 2020-21 के जो है एडमिन लॉगिन के होम पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गए हैं हम। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से चलेंगे, ये 2021 आ गया है प्रोग्रेस रिपोर्टिंग। अब दोस्तों इसमें जो है जनपद या जिले से यदि स्वीकृत हुआ है तो वहाँ से TSS होके आ जाती है, हमको प्रोग्रेस रिपोर्टिंग करना होता है, ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक्टिविटी टाइप या हमें पब्लिक वर्क्स है तो पब्लिक वर्क्स, गेट डाटा। और दोस्तों इस तरह से आपकी जो एक्टिविटीज़ आ जाएंगी। दोस्तों मेन ये है कि जब भी आपकी जनपद या जिले से एक्टिविटी आएगी तो यहाँ इस तरह से लिखा रहेगा डेलीगेटेड। ठीक है, तो ये ऑप्शन लिखा रहेगा दोस्तों, इससे आप समझ जाइए कि ये जो एक्टिविटी है आपकी जनपद या ज़िले से है ना ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट से TSS होकर आई है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्टिविटी कोड दिख जाएगा, प्लान ईयर दिख जाएगा, तो यहाँ आप आसानी से आपकी एक्टिविटी देख सकते हैं, वो एक्टिविटी हमेशा दिख रही है डेलीगेटेड। अब यहाँ से हमें करना है चेंज एक्टिविटी स्टेटस, हम इस पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके के बाद दोस्तों यहाँ लिखा जाएगा चेंज एक्टिविटी स्टेटस है ना, एक्टिविटी नेम आ जाएगा, एक प्रपोज कास्ट आ जाएगी, ये आपकी प्रपोज कास्ट आ जाएगी, एक्टिविटी साइट्स, तो यहाँ आपको ऑप्शन से ऑन गोइंग कम्प्लीटेड सस्पेंडेड एबंडेंट। अच्छा दोस्तों आप कई लोग पूछते हैं कि कम्प्लीटेड के बाद किस तरह से ऑन गोइंग करें, तो कम्प्लीटेड के बाद दोस्तों जो है ऑन गोइंग नहीं होती है। ठीक है, कम्प्लीटेड का मीनिंग ये है कि अब समाप्त हो चुका है कार्य, यदि आप इसको और एबंडेंट भी कर देंगे तो भी आपकी ऑन गोइंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसे ऑप्शन हैं दोस्तों, तो हम अभी क्या करेंगे ऑनगोइंग करेंगे, सस्पेंड के बाद जरूर हम बाद में ऑनगोइंग कर सकते हैं, लेकिन यदि हमने कम्प्लीटेड और एवंडेंट कर दिया तो ऑनगोइंग नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों ध्यान से आप यहाँ एक्टिविटी स्टेटस चेंज करा करिए, तो ऑनगोइंग हम कर देंगे दोस्तों। स्टेटस चेंज डेट कौन सी हो जाएगी, तो जिस दिन हम कर रहे हैं हम उसी दिन कर देते हैं, ये आज की डेट में ही कर दिया है। अब हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए मैंने क्लिक किया। दोस्तों आपके साथ भी ये एरर आ सकती है, प्लीज़ ट्रांसफ़र द फंड बिफोर चेंजिंग द स्टेटस, मतलब दोस्तों आपको जो ब्लॉक या ज़िले से जो अमाउंट आया है पहले आपको उसका रिसिप्ट वाउचर बनाना पड़ेगा, किस ऑप्शन के अंतर्गत, ट्रांसफ़र के अंतर्गत, उसके बाद ही आप इसका फिजिकल प्रोग्रेस जो है कर पाएंगे। ठीक है, तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं और अब लॉगिन करते हैं हम मेकर लॉगिन से। ठीक है,
हम लॉग आउट करके आ गए हैं एडमिन लॉगिन से। अब हम लॉग इन करेंगे मेकर लॉगिन से, और लॉग इन कौन से ईयर में करेंगे, मेन 2022-23 में ही, 2022-23 में ही, क्योंकि जो अकाउंटिंग काम है वो हमारा प्रेजेंट का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें ही हो सकता है। ठीक है, तो हम लॉग इन करेंगे, ये मेकर लॉग इन से हमने लॉग इन किया, फाइनेंशियल ईयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2022-23, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद होम स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, जनपद से या ज़िले से, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट से आपको जैसे ही अमाउंट किसी कार्य का मिलता है तो हो सकता है कुछ दिन लग जाएं, 1, 2, 4, 5, 6, 10 दिन भी लग जाते हैं कई बार यहाँ पर शो होने में। जैसे हमारा रिवर्स रिसिप्ट वाउचर, जो हमारे खाते में तो पैसा जाते हैं लेकिन जब दिखता है तो हो सकता है कई दिन बाद दिखता है ना, तो ऐसा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करते रहें। जैसा कि मैंने अभी चेक किया तो आ चुका है, तो अब मैं चलता हूँ। ये मेकल लॉग इन से 2022-23 वित्तीय वर्ष में हम आ चुके हैं होम पेज में। अब हम चलेंगे वाउचर ट्रांजेक्शन, वाउचर ट्रांजेक्शन के बाद रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर के बाद ऐड ऑप्शन पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आप सभी को कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी कि आपके ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट से पैसा आएगा, जनपद या जिले से पैसा आएगा, और आपको यहाँ रिसिप्ट वाउचर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पूरा रिसिप्ट वाउचर बनाना भी सीख लेते हैं यहाँ से। रिसिप्ट वाउचर पर ऐड पर क्लिक किया, कई बार इस तरह से हो जाता है दोस्तों, तो लॉगआउट कर दें फिर लॉगिन कर लें, कई बार सेशन हो जाता है तो लॉग आउट करके वापस लॉग इन कर लें। वाउचर ट्रांजेक्शन में चलें रिसिप्ट वाउचर और एड ऑप्शन पर क्लिक कर दें, तो यहाँ लिखा जाएगा क्रिएट रिसिप्ट वाउचर। अब रिसिप्ट टाइप दोस्तों मैंने आपको पुराने वीडियो में ये दिखा दिया, रिवर्स रिसिप्ट PFMS किस तरह से करना है, जो हमारे 15 वित्त की राशि आती है टाइड एंड टाइड की, उसको यहाँ से करना रहता है। पहले हम डायरेक्ट रिसिप्ट बनाते थे जो 15 वित्त की आती थी, अब चूंकि रिवर्स रिसिप्ट ही बनती है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब हमें किस ऑप्शन का यूज़ करना है, ट्रांसफर ऑप्शन का। यदि आपके डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक से, जनपद या जिले से आपको कोई सी राशि आई है तो आपको ट्रांसफर वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा फाइनेंशियल ईयर। आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने 2022-23 सेलेक्ट किया, तो कुछ क्षणों के इंतजार का, ये देखिए दोस्तों यहाँ आ गया सीरियल नंबर, ट्रांसफर्ड बाय आ गया है, डेट आ गई किस डेट को ट्रांसफर हुआ है वो आ जाएगी, स्कीम आ जाएगी जैसे XP फाइनेंस कमीशन, पर्टिकुलर्स जो लिखा है पूरा साफ साफ, कौन सी इंस्टॉलमेंट है क्या लिखा, जो भी लिखा पर्टिकुलर्स जनपद से लिख के वो आ जाएगा, या ब्लॉक से या डिस्ट्रिक्ट से, जो भी चेक नंबर, DD नंबर, लेटर एडवाइस नंबर, तो PFMS आ जाएगा क्योंकि PFMS के जरिए आया है। अमाउंट यहाँ दिखने लगेगा, आपको क्या करना है, ये आँख जैसा जो दिख रहा है, आई जैसा, इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ लिखा भी आ रहा है सेलेक्ट वाउचर। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ट्रांसफर रिसिप्ट बनेगी ये, जब भी आपके ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट से आएगा तो इसको हम ट्रांसफर रिसिप्ट सेलेक्ट कर बनाएंगे। इस तरह से अमाउंट दिखने लगेगा, यहाँ से हमें सेलेक्ट वाउचर पर क्लिक करना है, इस आई जैसे ऑप्शंस पर जो आँख जैसा दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। ये देखिए मैंने सेलेक्ट वाउचर पर क्लिक किया, जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये देखिए कई सारी जो डिटेल्स हैं वो इसमें फिल होके आ जाएंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखिए रिसिप्ट टाइप आ गया, ट्रांसफर स्कीम नेम आ जाएगा जिस स्कीम के तहत आया है पैसा, मनी रिसिप्ट नंबर आप यहाँ लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। वाउचर डेट, आप वाउचर डेट आप सेलेक्ट कर लें, इसे मान लीजिए 12 तारीख को आया है, आप 12 ही सेलेक्ट करना चाहें तो 12 कर लें, नहीं तो 13, तो हम जैसे मान लीजिए 12 ही कर लेते हैं, 12/5/2022 ही। स्कीम कंपोनेंट अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्लिक किया, ये देखिए ड्रॉप डाउन सर्च आ जाएगा, हम ड्रॉप डाउन सर्च पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद सेलेक्ट अकाउंट हेड। ठीक है, तो अकाउंट हेड पर हम क्लिक कर देते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस अकाउंट हेड से आया होगा हमें वो बाय डिफ़ॉल्ट वही दिखेगा, जैसे टाइड ग्रांट से आया है, यदि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट से, जनपद जिले से, तो आपको टाइड ग्रांट ही दिखेगा, अनटाइड से आया तो अनटाइड दिखेगा, तो टाइड ग्रांट सेलेक्ट कर लिया मैंने। मेजर हेड, मेजर हेड कौन सा आया है, तो मेजर हेड दोस्तों हम देख सकते हैं किस तरह से आया है। ठीक है, तो इसमें 8782 आया है, कैश रेमिटी एंड एडजस्टमेंट बिटवीन पंचायत, क्योंकि ये दोस्तों जनपद पंचायत या ब्लॉक पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत से आया है, तो हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, 8782। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक छोटी सी भी गलती हमें गलत हो सकती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो चूंकि ये कैश रेमिटी एंड एडजस्टमेंट बिटवीन पंचायत हुआ है 8782, तो हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, 8782। 1601 हम कब सेलेक्ट करते थे ग्रांट से, जब सीधे 15 वित्त की राशि आती थी, अब चूंकि ग्राम ब्लॉक पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जनपद या जिले पंचायत से आई राशि, तो हमें 8782 सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया। माइनर हेड, माइनर हेड इसके बाद आ जाएगा दोस्तों, ये हमें यही सेलेक्ट करना पड़ेगा, 101 सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है, क्योंकि जो जो केंद्र से ही पैसा आता है ये, तो 101 सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट हेड इसमें क्या सेलेक्ट करना है दोस्तों, 27 एडवांस आएगा, हमें इस पर क्लिक कर देना है। अमाउंट इन रुपीस बाय डिफॉल्ट लिखा रहेगा, जो भी आपका अमाउंट डाला है वो। तो इस तरह से दोस्तों हमने सभी सेलेक्ट कर लिया, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हमें ट्रांसफर रिसिप्ट बनाना है। अब हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये सब बाय डिफॉल्ट ये सब फिलिंग हो जाएगी पूरी, है ना, यहाँ भी अमाउंट पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी अमाउंट फिल हो जाएगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ एस्ट्रिक नहीं लगा, मतलब कुछ नहीं क्लिक करना है। रिसिप्ट इन लिखा रहेगा, बैंक अकाउंट नंबर आपकी ग्राम पंचायत का लिखा रहेगा, रिसिप्ट डिटेल दिख रहेगी, पीएफएमएस पर्टिकुलर्स आप लिख दें यहाँ पर अच्छे से दोस्तों, पर्टिकुलर बिल्कुल साफ साफ लिखा करें, जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में दिखाया है, जिससे कि आप कभी भी दोस्तों आपके रिसिप्ट वाउचर या पेमेंट वाउचर देखा करेंगे तो आप हमेशा जान सकते हैं कि हमने किस चीज़ पर पैसा रिसिप्ट किया है या किस चीज़ पर पैसे को जो है खर्च किया है ना, किस चीज़ पर रिसिप्ट किया है और किस चीज़ पर उसको व्यय किया है, किस रिसिप्ट और पेमेंट की दोस्तों पूरी जानकारी आप कभी भी देख सकते हैं और सही सही देख सकते हैं, इसलिए पर्टिकुलर से बिल्कुल सही सही लिखा करें, ठीक है। तो दोस्तों पूरी फिलिंग कर चुके हैं हम, ट्रांसफर का रिसिप्ट वाउचर बना रहे हैं हम, अब फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमने क्लिक किया, जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने इस तरह से मैसेज आ जाएगा, यदि आपने डे बुक क्लोज नहीं करी है तो यहाँ दोस्तों आपको लिखा आ जाएगा, डे बुक फॉर जीरो हैज़ बिन क्लोज्ड, नो न्यू वाउचर कुड बी क्रिएटेड फॉर, ठीक है। तो ये इसलिए आ रहा है दोस्तों कि आपको क्या करना पड़ेगा, जिस दिन भी आप रिसिप्ट वाउचर बना रहे हैं उसके एक दिन पहले तक की जो है डे बुक को क्लोज्ड करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए दोस्तों। मैं बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, जो प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही वही आपके साथ भी आ सकती है, इसलिए हम देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कल तक की डे बुक को क्लोज कर देते हैं और फिर आज रिसिप्ट वाउचर बनाते हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे, हम चलेंगे पीरियड एंड प्रोसीजर, क्लोजिंग ऑफ बुक्स, स्कीम वाइज डे बुक क्लोज, स्कीम नेम 14, फाइनेंस कमीशन भी क्लोज करना है 15, ये देखिए आज 22 है तो हम 21 तक क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज डे बुक पर क्लिक किया, यहाँ आ गया डे बुक क्लोज का मैसेज। ओके, इसी प्रकार हम 15 फाइनेंस कमीशन को भी क्लोज कर देते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं एक्सयू फाइनेंस कमीशन और इसको भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैसेज भी जाएगा, डे बुक कैन नॉट बी क्लोज एज पीआरआई हैज़ नॉट रिसीव्ड द ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम एंटिटी, है ना, जहाँ से हुई अंडर स्कीम एक्सयू फाइनेंस कमीशन, प्लीज़ रिसीव कैंसल द ट्रांसफर टू क्लोज द डे बुक, ठीक है। तो दोस्तों 14 फाइनेंस कमीशन की तो क्लोज हो गई, 15 की नहीं हो पाई, तो हमें केवल क्या है दूसरी योजनाओं की सभी करना पड़ेगा क्लोज, जैसे 14 का फाइनेंस कमीशन या कहीं और भी कुछ चल रहा है तो उस स्कीम की भी क्लोज करना पड़ेगा, 15 की नहीं करना, 15 की क्योंकि हम ये रिसीव करेंगे इसके बाद क्लोज होगी। हम ओके पर क्लिक कर देते हैं, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो आपको भी बिल्कुल जो आपके साथ प्रॉब्लम आती है वही मैं लाइव यहाँ भी आ रही है तो हम उस पर चर्चा करके सॉल्व कर रहे हैं। रिसिप्ट वाउचर ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से वही सब सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के बाद क्या सेलेक्ट करेंगे, ये वाउचर पूरा दिखेगा, हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको, है ना, इसका सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको अभी बताई थी, हमें यहाँ से पूरा करना है ड्रॉप डाउन सर्च से टाइड ग्रांट, है ना, इसके बाद 8782 माइनर हेड, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स 101, 27 एडवांस, सबमिट, है ना, ये सब कर लिया था, पर्टिकुलर्स लिख देते हैं हम, ठीक है, हमने पर्टिकुलर्स लिख दिया है, पूरा फिलिंग हो चुकी है। अब हम फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने क्लिक किया, फिर दोस्तों फिर से वही एरर आई, एक्चुअल में एरर क्यों आ रही है दोस्तों, क्योंकि हम जैसे यहाँ जो हमने करा था, हमने क्या सेलेक्ट कर लिया था, 12 तारीख को आया ज़रूर है यहाँ पर जो ट्रांसफ़र का अमाउंट, लेकिन हमें वाउचर डेट कब बनाना पड़ेगा, जब तक कि हम डे बुक क्लोज कर चुके हैं उसके बाद का वाउचर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने कल तक की डे बुक क्लोज कर दी तो मुझे ये वाउचर डेट किस डेट में बनाना पड़ेगा, आज की डेट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पहले यहाँ क्या सेलेक्ट कर लिया था, 12/5/2022 का लिया था, 12/5/2022 की तो मैं डे बुक क्लोज कर चुका हूँ पहले ही, ठीक है, इसलिए वो 12/5/2022 में नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रांसफर अमाउंट भली जो है राशि 12/5/2022 को आई है ना, वहाँ से जनपद या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन हमें वाउचर जब तक कि डे बुक क्लोज कर चुके हैं उसके आगे की डेट में बनाना है। सबसे अच्छा ये है कि हम प्रेजेंट डेट में बना लें, है ना, कल तक की डे बुक क्लोज कर दें और जो वाउचर जो बनाए वो आज की डेट में बना लेते हैं। चलिए मैं करता हूँ, तो रिसिप्ट टाइप हमारा, रिसिप्ट टाइप वैसे ही ट्रांसफ़र, यहाँ से 22/23 और इसके बाद ये सेलेक्ट, उसके बाद वाउचर डेट क्या बनाएंगे दोस्तों, आज की प्रेजेंट की बनाना पड़ेगा, है ना, आज जो डेट है आज की ही हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वही सेम प्रोसेस जो हम कर रहे थे अभी तक, वही सेम प्रोसेस करना है हमें, तो ये हम कर लेते हैं सबमिट, ये सब लिखा आ गया, अब यहाँ लिख देते हैं हम। अब दोस्तों ये 22/5/2022 आज की डेट में हम बना रहे हैं तो अब आसानी से बन जाएगा, है ना, क्योंकि वो अभी बार बार इधर इसलिए आ रही थी कि हम उस 12/5 की बना रहे थे और उस दिन के हम डे बुक क्लोज कर चुके थे, मैं इसलिए लाइव
तो दोस्तों मैं इसलिए लाइव दिखा रहा हूँ, कई बार ऐसी छोटी मोटी समस्याएं सभी को आती रहती हैं और हम कई बार इनसे इनका सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए लाइव दिखा रहा हूँ कि जो समस्या यहाँ आ रही है हम उसका यहीं सॉल्यूशन करते रहें, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बाउचर रेट आज की डेट में बना रहे हैं, हम कल तक की डे वो क्लोज कर चुके हैं, तो अब हम जो बनाएंगे वो आसानी से बाउचर हमारा बन जाएगा। हम फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों ये देखिए ये एरर और आ सकती है आपको, टू फ्रीज द वाउचर प्लीज़ क्लोज द डे बुक्स ऑफ ऑल प्रीवियस डेज। मतलब आप जो वाउचर को फ्रीज करने के लिए आपको पुरानी सभी डे बुक को क्लोज करना होगा, ठीक है। ये मैं बिल्कुल जो जीरो सीख रहे हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ दोस्तों, तो ये एरर आ रही है। तो दोस्तों अब हम यदि क्लोज करने जाएंगे डे बुक को, तो वहाँ से डे बुक 15 फाइनेंस कमीशन की क्लोज नहीं हो रही है, ऐसे हमने देखा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जिस दिन जो आ चुका है, जैसे आप ट्रांसफर का अमाउंट आ चुका है, तो हमें ये कब बनाना पड़ेगा, ट्रांसफर अमाउंट हमने 20 तक क्लोज जो पहले कर चुके थे, अब अमाउंट शो होने लगा है 21 से, तो 21 तारीख को हमें ये जो है ट्रांसफर का जो वाउचर बनाना पड़ेगा। एक वीडियो में दोस्तों आपको सारी इरर्स का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा और सारी जो परेशानी लाइव आ रही हैं वहीं आपको भी आ सकती हैं, तो हम उसका यहीं से सॉल्यूशन करते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, 21 में ही सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सेलेक्ट किया, इसके बाद सेम वही प्रोसेस हम जल्दी से प्रोसेस पूरी कर लेते हैं और अब करके हम देखते हैं। ये हमने सबमिट किया, ये पूरा लिखा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम वाउचर डेट किस डेट में आ रहा है, 21/5/2022, क्योंकि 20 तक क्लोज हो चुकी है, उसके बाद ये वाउचर शो होने लगा है ना, तो अब 21 की वहाँ से हम क्लोज़ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम 21/5/2022 को ही वाउचर बना पाएंगे। जब तक दोस्तों हम रिवर्स रिसिप्ट वाउचर और ट्रांसफर रिसिप्ट नहीं बनाते, आगे की कार्रवाई नहीं होती है, पेमेंट वाउचर भी नहीं बन पाता है, ना ही कुछ आगे की कार्रवाई होती है, ठीक है। इसलिए हम 21/5/2022 में ही कल के दिन में ही बनाएंगे और यहाँ पर फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ मैसेज आ गया है, वाउचर नंबर XVFC 2022-23R1 सेव्ड सक्सेसफुली। दोस्तों आ गया समझ में, मैंने आपको सारी इरर्स यहाँ पर दिखाई, जो कि किसी भी व्यक्ति को, कोई ये जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति को सारी इरर आए, ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति को सारी इरर भी आए या कुछ इसमें एक या दो कोई सी इरर आए, तो इसलिए मैंने इस वीडियो सारे लोगों के लिए बनाया। दोस्तों कुछ भी दिक्कत आती है तो इसमें सारी इरर्स का सोल्यूशन है। इसके बाद भी यदि कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको 100% अगला वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा वाउचर जो है सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है, अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आज हमने दोस्तों मेन रिसिप्ट वाउचर कौन सा लाना सीखा, ट्रांसफर वाला है ना, जो कि हमारे ब्लॉक या जनपद से या डिस्ट्रिक्ट जिले पंचायत से जो राशि आती है उसका हम रिसिप्ट वाउचर किस तरह से बना सकें, ठीक है। तो दोस्तों हमने बना लिया है रिसिप्ट वाउचर, अब हम डे बुक को आज की जो है क्लोज कर देते हैं। मतलब हमने एक्सपी फाइनेंस कमीशन का 21 तारीख को बनाया है, 21 तारीख की अब डे बुक क्लोज हो जाएगी आसानी से। ये देखिए अब यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, अभी तक नहीं हो रही थी, ये अब क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखिए, जब भी रिवर्स रिसिप्ट की रिवर्स रिसिप्ट PFMS से रिसिप्ट वाउचर आया 15 का या ट्रांसफर वाला, तो जब तक उसको हम रिसिप्ट नहीं बनाएंगे आगे हम डे बुक भी क्लोज नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ से लॉग आउट होते हैं और अब हम लॉगिन करेंगे एडमिन लॉगिन से। अब दोस्तों इसमें हम फाइनेंशियल कौन सा सेलेक्ट करेंगे, 2020-21, क्योंकि हमारा जो कार्य सेलेक्ट था, जो जनपद से जो कार्य बनाया है, जो एक्टिविटी बनाई है, वो 2020-21 बनाई है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिट कर देंगे। इसके बाद 2020-21 के एडमिन लॉगिन से होम पेज पर आ गए हम। बाद में भी दोस्तों ऐसा स्विच यूनिट कर वित्तीय वर्ष सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम चलेंगे प्रोग्रेस रिपोर्टिंग ऐड ऑप्शन पर, यहाँ से ऐड फिजिकल प्रोग्रेस, एक्टिविटी टाइप पब्लिक वर्क्स, गेट डाटा, इसमें आपके सारे कार आ जाएंगे। आप यहाँ से सेकेंड और क्लिक करते हैं यहाँ, तो ये जो दोस्तों ये एक्टिविटी बनी है जनपद पंचायत से ब्लॉक पंचायत से यहाँ दिखने लगी है, वो मैंने आपको बताया भी था किस तरह से दिखेगी, आखिरी में ब्रैकेट में डेलीगेटेड लिखा आएगा, जो जनपद या जिले से आएगी आपकी जो एक्टिविटी वो डेलीगेटेड करके आएगी। तो यहाँ से आप चेंज एक्टिविटी स्टेटस कर देंगे क्लिक और ओके पर क्लिक कर देंगे, तो इसके बाद चेंज एक्टिविटी स्टेटस आ जाएगा, एक्टिविटी नेम आ गया है, प्रपोज कास्ट आ गई, एक्टिविटी साइट यहाँ हमें क्या करना है, ऑनगोइंग, ठीक है, क्योंकि कार्य चालू करना है तो ऑनगोइंग करना है। स्टेटस चेंज डेट हम आज की ही डाल देते हैं, आज ही कर रहे हैं, स्टेटस चेंज ऑनगोइंग कर दिया है। 22/5/2022 सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए मैंने सेव पर क्लिक किया तो हमारे सामने मैसेज आ गया, एक्टिविटी स्टेटस चेंज सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देंगे। ये दोस्तों अभी तक नहीं आ रहा था क्योंकि हमने जब तक ट्रांसफर का रिसिप्ट वाउचर नहीं बनाया था, ठीक है, अब बना लिया तो ये हो गया है। फिर से प्रोग्रेस रिपोर्टिंग पर जाएंगे। अच्छा दोस्तों कई बार आप इतना करके छोड़ देते हैं तो वो एमएक्शन ऑप्शन में नहीं दिखता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग फिर से जाना है, फिर से प्रोग्रेस रिपोर्टिंग ऐड ऑप्शन, ऐड फिजिकल प्रोग्रेस, पब्लिक वर्क्स, गेट डाटा, और दोस्तों आप क्या करना है, ये एक्टिविटी आ जाएगी आपकी, प्लान ईयर एक्टिविटी, एक्टिविटी नेम,
चेंज एक्टिविटी स्टेटस तो हम कर चुके हैं दोस्तों, ये जरूर करा करिए, ये हम जब तक नहीं करते जब तक हमारा कार्य जो है एमएक्सन सॉफ्टवेयर में नहीं दिखता। तो फिजिकल प्रोग्रेस में यहाँ क्लिक करेंगे, फिजिकल प्रोग्रेस पर ओके पर क्लिक करेंगे, आर यू मॉडिफाइड रिकार्ड, तो ओके। ओके के बाद दोस्तों यहाँ पूरा जाएगा एट फिजिकल प्रोग्रेस, आपका एक्टिविटी कोड आ जाएगा, एक्टिविटी नेम आ जाएगा, फोकस एरिया आ जाएगा, एक्टिविटी टाइप आ जाएगी, एसेट कैटेगरी आ जाएगी, है ना, असेट सब कैटेगरी आ जाएगी, प्रपोज कास्ट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ सीरियल नंबर जाएगा, लोकेशन ऑफ असेट आ जाएगी, वर्क स्टेज ये वो ध्यान से करिएगा दोस्तों, यहाँ हमें तीन स्टेज करना पड़ता है और ये तीनों स्टेज हमारी एम एक्शन सॉफ्ट में दिखती है। तो हमें अभी सबसे पहले कौन सा करना पड़ता है, ऑनसेट ऑफ वर्क, फिर बाद में जब कार्य चलता रहेगा तो ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्क और कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो अभी सबसे पहले ऑनसेट ऑफ वर्क, वर्क स्टेज डेट आप आज की डाल दें, एसेट नेम यहाँ लिखा है, यहाँ क्लिक नहीं करें दोस्तों क्योंकि ये लिखा हुआ एसेट कंप्लीटेड, यहाँ अभी क्लिक नहीं करना है, ठीक है, जब कंप्लीट होगा तब करेंगे। इसमें मेन डेज लिख दें, जो आपके मानव दिवस होते हैं वो जरूर लिखें यहाँ पर, या मेन डेज लिख दिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ ऑप्शन रहता है इस फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस कंप्लीट है, तो यहाँ नो पर ही क्लिक रहने दें, ये कब हमें यस करना है, जब हमारा कार्य हो जाएगा, ठीक है, अभी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, अभी ये मेन डेज लिख दिए, ये अनसेट ऑफ वर्क कर दिया है, डेट आज की लिख दी है, पूरा कर दिया, अब हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ नो ही रहने देना है दोस्तों, है ना, ये सेव ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ मैसेज आएगा सेव्ड सक्सेसफुली, अब ओके पर क्लिक कर दें। अब जो दोस्तों जो आपका कार्य है वो आपका एम एक्शन सॉफ्ट में कार्य दिखने लगेगा, ठीक है। अब बाकी प्रोसेस दोस्तों मैंने एम एक्शन सॉफ्ट की पूरी बनाई है वीडियो में, आपको ई ग्राम स्वराज पोर्टल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस में दिख जाएगी, एम एक्शन सॉफ्ट की पूरी बनाई है, एम एक्शन सॉफ्ट में किस तरह से कार्य करना, तो आप आसानी से देख सकते हैं किस तरह से वर्क करना, और उसके बाद फिर पेमेंट वाउचर में भी वो कार्य दिखने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी प्रोसेस है किस तरह से जनपद या ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट या जिले से यदि कोई सी राशि आई है हमारे पास और कोई सा कार आया है तो उसकी एक्टिविटी किस तरह से हम फिजिकल प्रोग्रेस उसकी रिपोर्ट प्रोग्रेस रिपोर्टिंग कर सकें और किस तरह से ट्रांसफर अमाउंट जो आया है तो उसका ट्रांसफर का रिसिप्ट वाउचर बना सके, तो एक ही वीडियो में दोस्तों सारी चीज़ें आपके सामने हैं और जो इरर्स आई हैं वो भी आपको दिख सकती हैं, जो आपके साथ भी आ सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी हमने यहीं किया। तो दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको हर छोटे से बड़ी जानकारी से अपडेट देते रहूँगा, हर कार्य से अवगत कराते रहूँगा, इसके लिए दोस्तों आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए, आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑल इन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों आप स्वेच्छा से यदि कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन ट्रेन से कर सकते हैं, और जब आप मेरा वीडियो प्ले करें दोस्तों तो नीचे थैंक्स का इस तरह से ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर आप सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, थैंक ऑनलाइन पंचायत किसी भी अमाउंट से 40, 100, 200, 1000 इस पर क्लिक कर बाय एंड सेंड करें, और UPI के माध्यम से आप आसानी से कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत